और अभी इस पौधे को हमने उखाड़ लिया, अभी लगाएंगे वहां पे जाके। और कैसे लगाऊंगा वो तो दिखाई नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक ही हाथों से कैमरा पकड़ के, वो तो नामुमकिन है। पहले इसको लगाता हूँ उसके बाद। और अभी शाम के टाइम है और काम बन खत्म करके अभी थोड़ा मनोरंजन के लिए अभी निकल के आया हूँ। अभी हम चाय के बागान, और दोनों तरफ चाय के बागान है और बीच में से रास्ता, हर वीडियो में हम दिखाता हूँ ऐसा कोई नया लोकेशन। गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिला हूँ और वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन वीडियो मैंने बनाया नहीं था और आज मैं वही काम करने के लिए आया हूँ। और एक बार मैंने 11 के कम्प्लीट होने के बाद एक वीडियो बनाया था और उसके बाद मैंने बनाया नहीं था। बहुत हवा चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आज का मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ठंडा है क्योंकि काल परसों इतना गर्म था कि पूछो मत। और आज बहुत ठंडा है इसलिए मैं सुबह सुबह काम करने के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे DAP और पोटाश डालने के लिए आया हूँ। तो मैं वीडियो यहाँ से शुरू किया है और आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है और धमाका होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को अच्छा से दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए। और बहुत तेजी से हवा आ रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा मजा आएगा। देखिए ऊपर बादल भी थोड़ा काला काला हो गया है, शायद बारिश गिरेगा। बारिश गिरने से मेरा कुछ खराब नहीं होगा, लगाने के बाद ऐसा हो रहा है। अभी 20 दिन के बाद ऐसा है, हालत ठीक ही है। अभी जितना काम था वो काम मैंने खत्म कर दिया और कल आना पड़ेगा खत्म करने के लिए, मतलब ठीक नहीं लगता है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे। और आज के लिए काम खत्म हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है। उसमें एक पौधा मतलब मर गया था, उसको मुझे लगाना है तो यहाँ से लाएंगे, तो वहाँ पे रखा था तो उसको यहाँ से उखाड़ के लाएंगे और जहाँ मर गया था वहाँ पे लगाएंगे। और 10-15 दिन के बाद ही ये ठीक लगेंगे देखने में। अभी यहाँ से उखाड़ के ले जाएंगे, ये देखिए इसको यहाँ पे रखा था, पूरा उखाड़ना पड़ेगा इसको। पहले इसको उखाड़ लेते हैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और अभी इस पौधे को हमने उखाड़ लिया, अभी लगाएंगे वहाँ पे जाके। और कैसे लगाऊंगा वो तो दिखाई नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक ही हाथों से कैमरा पकड़ के, वो तो नामुमकिन है। पहले इसको लगाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। और अभी हमारा काम खत्म हो गया है और मैं ऊपर आ चुका हूँ और अभी घर जाना है, उसके बाद दुकान भी जाना है। और धूप भी धीरे धीरे आ गया, देखिए मॉर्निंग। और फिर से आज नेक्स्ट डे फिर वही काम, जो काम रह गया था वो करने के लिए आया हूँ। सुबह का 4:30 बज चुका है और बहुत जल्दी आया क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे काम खत्म करना है और बाकी भी काम करना है, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी आया। और तो पहले काम करते हैं। वाह, अभी हम पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह यहाँ आने के लिए बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है और सुबह का हवा जो है वो बहुत खूबसूरत है। ऐसे भी गर्मी है और गर्मी के कारण सुबह उठ के जब ये हवा लगता है ना तो खूब बढ़िया लगता है। अभी आज यहाँ पे ख़त्म करना होगा काम और उस दिन वहाँ पे गया, तो ठीक है फटाफट करते हैं। ठंडा है आज, मौसम भी इतना ख़राब नहीं है। जब तक मैं काम करता रहूँगा तब तक बारिश ना हो, उसके बाद बारिश होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी इतना नहीं है, देख सकते हैं। अभी शाम के टाइम है और काम बन खत्म करके अभी थोड़ा मनोरंजन के लिए अभी निकल के आया हूँ। अभी हम चाय के बागान, और दोनों तरफ चाय के बागान है और बीच में से रास्ता, हर वीडियो में हम दिखाता हूँ ऐसा कोई नया लोकेशन। और आज भी एक नया लोकेशन में आया हूँ, इस तरफ देख लीजिएगा पूरा छमछन है। अभी पहले धूप नहीं था, अभी धूप निकल के आया है। और ऐसा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा, मतलब कहीं जाना पड़ता है लेकिन जाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। और काम खत्म आज हो गया है और आज के बाद शायद थोड़ा एक नया, शायद थोड़ा अच्छा वीडियो आने वाला है। और अभी थोड़ा मोटर ब्लॉग करेंगे और बहुत दिन मैंने मोटर ब्लॉग नहीं करा था तो थोड़ा मोटर ब्लॉग देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक लड़का लड़की क्या कर रहा है,
मैं बाहर निकल के आया हूँ और तब से धूप देने लग गया, लेकिन इतना भी नहीं है तो ठीक ही है, इतना ठंडा भी नहीं है और इतना गर्म भी नहीं है। और बाइक चलाते चलाते ठंडा ठंडा हवा खा खा के अभी हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक चीज मैंने रखा था, देख लेते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को भी, रुकिए एक सेकेंड। मैं तो गिरने वाली थी, यहाँ पे रखा था लेकिन अभी बैल है, अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा। पहले देख लेते हैं क्या है, ये काटा लगाया था यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं मिला अभी। और अभी यहाँ पे एक मछली फंस चुका है, क्या मछली है पहले मछली को पकड़ लेते हैं। अभी मछली लग चुका है एक ठो, ये देखिए, बाप रे बाप, एक ही हाथों में तकलीफ हो रहा है। मिल गया, और ये देखिए मछली, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है और 1 किलो जैसा होगा। और क्या मछली है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अभी इसको साफ सफाई कर लेते हैं फटाफट, और फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ मछली को। अभी इसको साफ सफाई कर लेते हैं फटाफट, जैसे हो अभी मछली साफ सफाई हो गया। और अभी अंधेरा होने वाला है और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को भी एंड करना है। और हमारा नया घर बन रहा है, ये पता नहीं कब कंप्लीट होगा लेकिन धीरे धीरे बन रहा है। आइए थोड़ा छत पर जाके आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ हमारा यहाँ का व्यू। और अंधेरा के वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है, खराब हो गया है, इतना अच्छा नहीं आएंगे। और ये देखिए हमारा घर का जो तालाब में जहाँ मछली पकड़ा था, ये वाला तालाब, और ऊपर का व्यू, ऊपर से व्यू छत से व्यू है। और यहाँ पे कटहल का पेड़ है, ये इसको काट दिया था, अभी देखिए फिर से आ गया है छत की तरफ, इसको फिर से काटना पड़ेगा, 2-1 महीने के अंदर ये आ ही जाता है, क्या करो। यहाँ पर आम का पेड़ भी है, और इस तरफ है तामूल का पेड़, मतलब सुपारी का पेड़, और इस तरफ पान है, मतलब जरूर के जो भी सामान सब हमारे घर में पाए जाते हैं। वहां पे एक हमारा जो घर का रास्ता है वो वाला देख लीजिए, गांव का रास्ता, लेकिन बहुत बढ़िया है, गांव में रहने से बहुत शांति है।